गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है संडे। सबसे पहले तो गाइस हैप्पी संडे। और दिवाली से पहले ये लास्ट वीकेंड है। सच पूछिए, दिवाली आ रहा है ये फीलिंग ना बहुत ऑसम होता है। दिवाली, इतना ज्यादा मजा आता है दिवाली में। और स्पेशली दिवाली मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, तो और ज्यादा मजा तो आना बनता है। और दिवाली मतलब ढेर सारा शॉपिंग, होम डेकोर स्पेशली करना, देन घर को थोड़ा बहुत ठीक करना, रेनोवेट करना, घर क्लीनिंग, ये सब चीजें तो बताइए। दिवाली पे तो होता रहता है, आई नो सबके घर पे होता रहता है, तो मेरे घर पे भी हो रहा है। तो दिवाली के लिए कुछ कुछ चीजें हम लोगों ने ले लिया है, जो कि ऑलरेडी आ गया है। कुछ कुछ चीजें अभी तक आया नहीं है, तो ऐसा ही सब चल रहा है। पता नहीं दिवाली से पहले वो सब चीजें आएगा भी के नहीं। तो हाँ, मैं यहाँ पे बता दूं, अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं कुछ कुछ चीजें आपको दिखा देना चाहती हूँ। आप लोग को पता ही होगा, अगर आप लोग मेरे पुराने व्यूअर है, तो कि ये जो स्पेस है किचन के जस्ट सामने का जो स्पेस है, बालकनी के सामने, ये स्पेस में स्पेशली डाइनिंग टेबल पहले होता था। डाइनिंग टेबल था जो कि हमारे पास 4 सीटर ही डाइनिंग टेबल था, बट बहुत ज्यादा बड़ा साइज का था और एकदम डार्क शेड में था। डार्क मीन्स मेहोगनी, जो डार्क शेड होता है ना, वो शेड में था, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था और हम लोग ज्यादा यूज भी नहीं करते थे। तो मेरा फोन के लिए एक मिनट था, आई थिंक एक फोन आ सकता है, एक मिनट। तो वो इतना पसंद नहीं था मुझे और ज्यादा यूज भी नहीं होता था, तो काफी दिन पहले हम लोगों ने वो डाइनिंग टेबल को सेल कर दिया था OLX पे, OLX या क्विकर, मुझे इतना याद नहीं है, जो भी हो हम लोगों ने सेल किया था। और हमारा प्लान था कि यहाँ पे एक साइड बोर्ड ले, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे क्रॉकरी यूनिट है, तो यहाँ पे साइड बोर्ड लेने का प्लान था, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है और ये आ भी गया है। यहाँ हम लोगों ने एक सॉलिड वुड का लिया, बहुत ऑसम लुक है इसका। पहले मुझे लग रहा था अरे कैसा होगा, हितेश को ये सारे जो थोड़ा बहुत एंटिक चीजें है ना बहुत पसंद है, मुझे ऑनेस्टली इतना पसंद नहीं, मुझे थोड़ा मॉडर्न चीजें पसंद है। मैं थोड़ा डाउट कर रही थी कि कैसा लगेगा, कैसा होगा, तो फाइनली ये जब आ गया ना, इतना बढ़िया दिख रहा है, आई स्वेयर, मतलब मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा ऐसा डेकोरेशन भी कर दिया दिवाली के लिए, थोड़ा मेरे पास ऑलरेडी था कुछ लास्ट ईयर का चीजें, तो वो मैंने डेकोरेट किया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग डाइनिंग टेबल नहीं लेने वाले, बट कुछ प्लान है करने का, बट वो बाद में, यार अभी नहीं, वो धीरे धीरे सोच समझ के कैसा मिलता है चीजें उस पर डिपेंड करता है। तो मैं इसका लुक एक बार आप लोग को दिखा देती हूं। गाइस आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है ये, और काफी बड़ा है ये डिजाइन। ये वाला जो डिजाइन है ना, सबसे बढ़िया है। और इसके ऊपर मैंने ऐसी एक टी लाइट जो होल्डर होता है ये लगाया, थोड़ा बहुत यहाँ पे ऐसे ही डेकोरेट किया। और अभी किस सिचुएशन में ये तो बनता है सैनिटाइजर। और यहाँ पे थोड़ा बहुत प्लांट रखा है, थोड़ा मैंने इसको लाइट लगा के डेकोरेट कर दिया ऑलरेडी। दिवाली मतलब डेकोरेशन तो बनता है ना, तो डेकोरेट कर रही हूँ थोड़ा बहुत। कल कोई वीडियो नहीं बनाया था, तो थोड़ा कल बैल्कनी में हम लोगों ने मिलकर थोड़ा लाइट्स लगवाया, ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 ही लाइट लगाए, ज्यादा लाइट अभी तक लगा नहीं। मैंने खिड़की खोला, डोर ओपन किया, बल गया, कितना लाइट आ रहा है, बट इतना धूप नहीं है सच पूछे, थोड़ा क्लाउडी है, बट ठीक है। तो डेकोरेट किया, कैसा लुक आ रहा है वो सब मैं रात को दिखाती हूँ एक छोटा सा वीडियो लेके, अभी तो दिन में पता नहीं चलेगा ना। तो हाँ गाइज, यही चल रहा है। और हाँ, किचन और बेडरूम रिलेटेड कुछ मेकओवर डेकोरेशन वीडियो आने वाला है, बट सच पूछे इतना सब जगह टाइम लग रहा है ना, सब कुछ आने में, सब लोगों से काम करवाने में, तो पता नहीं दिवाली रिलेटेड चीज़ें, बट दिवाली से पहले आ सकता है कि नहीं। मैं ट्राई कर रही हूँ कि दिवाली से पहले आए, बट ऑनेस्टली गाइस पता नहीं, बट लेट्स सी, जो भी हो देखते हैं। थोड़ा मुझे होम सेंटर जाना है, बट आज नहीं, मे बी टुमारो जाऊँ। तो होम सेंटर ऑलरेडी परसों गए थे, वहाँ से कुछ कुछ चीज़ें लाई थी, कर्टन वगैरह, बट वो मैंने दिखाया नहीं क्योंकि बेडरूम के लिए है, और बेडरूम थोड़ा सा मेकओवर चल रहा है, थोड़ा कुछ रेनोवेट चल रहा है, तो लेट्स सी, धीरे धीरे आएगा। अगर दिवाली से पहले नहीं आता है तो भी मैं डालूंगी, क्योंकि ये सिर्फ दिवाली के लिए नहीं कर रहे, ये करना था, थोड़ा लुक चेंज करना था रूम का, इसलिए हम लोग कर रहे। तो एनीवेज, अभी हितेश नीचे
चले गए कुछ, मेरा ऑनलाइन कुछ सामान आया है वो सब लेने, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। देखते क्या क्या है वो तो मुझे पता है, बट कैसा आया है वो देखते। तो बस यही, अभी हम लोग थोड़ा बाहर जाएंगे, कुछ कुछ चीज़ें करना है। क्या क्या करना है वो मैं बाहर जाके बताती हूँ। सबसे पहले जो एक बड़ा रिस्पॉन्स है वो है कुकिंग का। अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, अभी मैं सिंपल राइस और दाल बनाने वाली हूँ, तो वो सब भिगो के जाती हूँ, आग के जस्ट बॉईल कर दूंगी, हो जाएगा। आ गया ना? तो आ गया, मैं बहुत एक्साइटेड। और हाँ, करवा चौथ का ना मुझे गिफ्ट भी मिला है। कहाँ रख रहे हो, अंदर रख रहे हो? एक काम करो, हाँ ठीक है, इधर वो पिलो के ऊपर रख दो, बैग के टच करके मत रखना। हाँ, तो करवा चौथ का मुझे गिफ्ट भी मिल गया है, वो मैं आके दिखाऊंगी क्या मिला है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और हाँ, सरप्राइज गिफ्ट था। एनीवेज, चलिए मैं फटाफट कुकिंग का वो सब करके देन निकल के बाद में सब बताती हूँ कहाँ जा रहे हैं हम। सो गाइज, ये मुझे हैंडबैग मिला है करवा चौथ के गिफ्ट में। और सबसे बड़ी बात ये है कि हितेश को पता है कि मेरा ये कलर जो है ना, टैन कलर, ये मेरा फेवरेट कलर है। ना जाने मेरे पास ऐसे कलर के कितने बैग्स हैं, कम से कम 7-8 बैग्स मेरे पास ये कलर के हैं, क्योंकि मुझे लगता है ये कलर ना सारे आउटफिट के साथ, सब टाइप के कलर के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा मैच होता है। तो ये वाला एक हैंडबैग है और इसके अंदर बहुत सारे कंपार्टमेंट है, तो मेरा बहुत काम इजी हुआ है। सब जगह पे अलग अलग, मतलब चीज़ों के लिए अलग अलग डेजिग्नेटेड स्पेस हो गए। तो आई जस्ट टोटली लव दिस बैग, बहुत ऑसम है। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा करवा चौथ का गिफ्ट, मुझे ज़रूर बताना। गाइस, तो हम लोग बाहर आए हैं अभी, जैसा कि मैंने पहले ही बोला था। सो सबसे पहले हम लोग एक शॉप में गए थे, कौन से शॉप वो ना मैं अभी नहीं बोलूंगी, पहले वो काम अगर होता है तो मैं बताऊंगी। और उसके बाद यहाँ पे एक ऐसे लोकल थोड़ा वो रिस्ट वॉच मेरा एक लिया था, उसको मैंने थोड़ा साइज ठीक करवाया, साइज नहीं ठीक कराना हुआ ना, तो वो यहाँ पे साइज को एडजस्ट कर लिया। अभी हम लोग जा रहे जो सब शॉप्स होते हैं ना, जहाँ पे दिवाली के सब दिए देन ये सब डेकोरेटेड सब माला वगैरह आपको पीछे दिख रहा होगा मिलता है, वही एक स्टोर है, वहाँ से लेके आ रहे हैं। क्योंकि दिया हम लोग का है कि दिवाली के दिन नहीं, उसके 3-4 दिन पहले से ही दिया लगाना ये सब करना होता है, तो मैंने सोचा चलो ले लेते, कुछ है घर पर और भी अभी कुछ ले लेते। बार बार निकलने से अच्छा है एक, मतलब एक ही बार निकलो, ज़्यादा काम लेके निकलो ना तो बेटर होता है। और आज बहुत धूप है, मैं तो 5 मिनट के धूप में लगा। अब देखिए मैं टैन हो गई हूँ ना, सीरियसली मैं टैन हो गई हूँ। चलिए अभी मैं वही देख रही हूँ, बाहर बहुत धूप है। चलिए मैं थोड़ा दिखा देती हूँ शॉप को एक बार। अब देख सकते हैं ना वो सारे जो माला दिख रहा है ना, ऐसा आर्टिफिशियल मैरीगोल्ड ऐसा है मेरे पास कुछ, बट थोड़ा कम गिर रहा है, तो मैं सोचा थोड़ा और ले लेती हूँ। तो चलिए अभी चलते हैं शॉप में। तो अभी हो गया शॉपिंग, थोड़ा बहुत दिया ले लिया एंड थोड़ा बहुत मैंने माला वगैरह जो भी था वो सब लिया, एंड पूजा के लिए भी कुछ कुछ सामान था वो भी ले लिया। एंड गाइस, सुबह मैं बोल रही थी ना बहुत था, इतना क्लाउडी है, इतना धूप नहीं, बट बिल्कुल नहीं। अभी दिन मतलब जितना ज्यादा हो रहा है उतना ज्यादा है, मतलब गर्मी जो हो गया था ना, तो मैं अंदर आके बैठ गई थी, बाद में पेमेंट करके आए, खतरनाक गर्मी था। और हाँ, मैं घर जाके दिखाती हूँ कौन सा रेस्ट वॉच है। तो अभी चलिए घर चलते, बहुत गर्मी लग गई। और घर पे जाके थोड़ा सा वो कुकिंग भी करना है, राइस दाल वो भी बना लूंगी, तो बस हो जाएगा हमारा लंच। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग घर पे आ गए हैं और घर आने के बाद फ्रेश हो गई, कुकिंग भी कर लिया है और थोड़ा बहुत इधर उधर कर रही थी, देख रही थी कुछ ना कुछ। और हाँ, मैं आप लोगों को अभी दिखाती हूँ कि कौन सा रेस्ट वॉच एंड क्या है, डिटेल में दिखाते हैं। एक्चुअली ये रेस्ट वॉच काफ़ी दिनों पहले ही मुझे हितेश ने दिया था, मतलब ऑनलाइन ऑर्डर किया था कुछ दिन पहले, तो ऑनलाइन आ गया था ये, तो इसका जो फिटिंग है वो कराना नहीं हुआ था। तो आज मैंने सोचा चलो जाके लोकल एक ऐसा वॉच का शॉप है वहाँ से करा के लेके आई, तो वही मैं दिखाती हूँ। और हाँ, ये मेरा दिवाली गिफ्ट है। सो गाइज, ये है एम के का एक रेस्ट वॉच, मतलब माइकल कॉर्स का, आपको तो पता ही होगा। और हाँ, ये वाला है रिस्ट वॉच, ठीक से मैं भी दिख नहीं रहा है, एक्चुअली कैमरा फोकस नहीं कर रहा है फॉर सम रीज़न, देख सकते। इसका ही फिटिंग कराना था तो वही मैं करा के लाई, ठीक से दिख नहीं रहा है, मैं बाद में ठीक से दिखाती हूँ। हाँ, ठीक से ही दिख रहा है एक्चुअली, ये उसका ऊपर का जो पेपर है वो निकाला नहीं मैंने, निकालने के बाद ठीक से आप लोगों को दिखेगा।
हाँ ये मैं ऑनलाइन लिया है। ऑनलाइन मतलब मैं बताती हूँ ठीक से आप लोगों को, ये वाला जो रिस्ट वॉच है ये मैंने ऑनलाइन लिया। ऑनलाइन मतलब एमके का, माइकल कॉर्स का जो ऑफिशियल वेबसाइट है ना, वहाँ से मैंने लिया है। वहाँ से मैंने एक्चुअली 2-3 बैग्स भी लिया था एंड ये एक रिस्ट वॉच भी लिया है। ये हितेश ने मुझे दिवाली पे गिफ्ट किया है, काफ़ी दिनों पहले ये ऑर्डर किया क्योंकि ये आने में काफ़ी टाइम लगता है, ऑलमोस्ट 20-25 दिन लगता है क्योंकि ये आता है लंदन से, तो बहुत सारा चीज़ें होता है, कस्टम्स वगैरह भी क्लियरेंस का होता है, 2 बार कस्टम क्लियरेंस होता है, एक तो लंदन से है वहाँ का कस्टम क्लियरेंस, देन इंडिया आने के बाद भी कस्टम क्लियरेंस होता है। हाँ ये जनरली एमके के स्टोर से ही मतलब फिटिंग कराओ तो ठीक है। तो मैं गई भी थी, यूबी सिटी में एक ही एमके का स्टोर है पूरे बैंगलोर में, तो वहाँ पे जब गई थी उस दिन वहाँ पे जो आदमी ठीक कराता है, सब एडजस्ट करता है साइज वगैरह, उस दिन वो आया नहीं था। और बाद में भी 1-2 बार गई थी बट तब मेरे पास वॉच नहीं था, तो आज मैंने सोचा यार कब से आ गया पहनना ही नहीं हो रहा है, और मुझे रिस्ट वॉच पहनना पसंद है तो ये वाला मैंने मंगवाया। और हाँ ये सरप्राइज नहीं था, ये मुझे पता है क्या आने वाला है, कौन सा मैंने ही सिलेक्ट किया था ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो ये है मेरा दिवाली का गिफ्ट, तो एक ही वीडियो में आप लोगों को पता चल गया कि मुझे करवा चौथ पे क्या गिफ्ट मिला है और दिवाली पे भी क्या गिफ्ट मिला है। एनीवेज गाइस आप लोग मुझे ये भी बताना कि आप लोगों को मेरा दिवाली का गिफ्ट भी कैसा लगा, जरूर बताना गाइस। हे गाइस गुड इवनिंग, और अभी टाइम हो रहा है 9 PM। मैं बहुत देर बाद आप लोगों से मिल रही हूँ क्योंकि आज ना लंच के बाद हम लोग सो गए, इतना थक गए थे ना, वो दोपहर को थोड़ी देर के लिए निकले थे बट इतना धूप था, गर्मी में ही हम लोग थक गए, तो आके सो गए, ज़्यादा ही सो लिया बट चलो अच्छा लग रहा है, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। और आप लोग मुझे देख के समझ गए होंगे कि मैं रेडी हूँ, मतलब हम लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। यस हम लोग बाहर जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट में, तो बाहर जाके मैं और डिटेल में बात करती हूँ क्योंकि अभी थोड़ा सा लेट हो गया ना, तो जल्दी जल्दी हम लोग को निकलना है, तो अभी चलिए चलते हैं। अभी फिलहाल हम लोग पहुँच गए और यहाँ पे एकदम अंधेरा है, इसलिए देख सकते हैं कि मुझे ना फ़ोन का ऐसा लाइट ऑन करके बात करना पड़ा, और वहाँ पे पीछे पार्किंग है, वहाँ पे पार्क करने जाना पड़ रहा है, तो वहाँ से मैं नीचे यहाँ पे उतर गई हूँ क्योंकि वहाँ पे रोड थोड़ा अजीब है, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा रोड है, तो मैं उतर गई। और हाँ हम लोग आए हैं बिग पिक्चर बोल के एक क्या बोलते हैं पब है वहाँ पे सरजापुर में, तो इसका एक्चुअली HL में भी है, वहाँ पे पहले भी हम लोग जाते थे, ये जगह हम लोग फर्स्ट टाइम आए हैं, तो देखते हैं। काफ़ी बड़ा है बट पूरा खाली लगा मुझे बाहर से, लेट्स सी यार, बट ठीक है थोड़ा खाली भी है तो वो सेफ भी है, इतना ज़्यादा लोग नहीं है तो अच्छा ही है ना, और बहुत बड़ा है। चलिए फिलहाल हम लोग अंदर जा रहे हैं और पीछे हितेश आ रहे हैं, तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं। मेरा स्टाइल देखिए व्लॉगिंग का, मैं खुद ही कैमरामैन भी और लाइट भी मैं ही दे रही हूँ अपने आप को। एनीवेज चलिए अभी अंदर चलते हैं, मैं वही बोल रही थी मैं कैमरामैन भी बन गई लाइट भी, एक्चुअली इधर लाइट है देखिए, मैं भी कैसी उधर कर रही थी, सही नहीं कहती इधर उन्हें सिर्फ। हाँ चलो अंदर चलते हैं अभी। Set my world on fire, you're my heart's desire, I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Tell me you'll stay or take me away, I want you for myself every single day. It's every night. निकल गए हैं, तो इतने टाइम बाद हम लोग आए हैं ना पब में, तो कितना अच्छा लगा, बहुत टाइम बाद, मतलब बोल सकते हैं लॉकडाउन से पहले लास्ट आए थे कोई पब में, तो आफ्टर 8 मंथ्स हम लोग पब में आए हैं, तो हितेश
वहाँ पे गए हैं पीछे, क्या बोलते उसको, गाड़ी पार्किंग में गाड़ी लेने। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग साथ थोड़ा सा शेयर कर लूँ, अपडेट दे दूँ। तो हो गया है, अच्छा था फूड इसका। पहले भी तो हम लोग दूसरे वाले ब्रांच में खाते ही है, बहुत बार गए हैं तो खाना अच्छा ही होता है। बट मेनू काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन ही था। फिर भी हम लोगों ने सिर्फ एक फ्रेंच फ्राइज लिया और एक पास्ता लिया, वाइट सॉस पास्ता, दैट्स इट, और कुछ नहीं लिया क्योंकि ऑप्शन थोड़ा कम था, तो इसलिए और मन नहीं हुआ। और थोड़ा अभी घर चले आएंगे तो हितेश आ रहे हैं, तो चलिए अभी घर जाते हैं। घर जाके मैं आप लोगों के साथ फिर से बात करती हूँ। सुबह बोल रही थी ना कि कैसे लाइट लगा है बालकनी वगैरह में, वो मैं दिखाऊंगी, तो चलिए वो दिखाते हैं। देख सकते हैं ये वाला कैबिनेट के जस्ट एक साइड पे मैंने ये बड़ा सा प्लांट रखा है, इस पे ही सारे लाइट्स लगा दिए और इससे थोड़ा बाहर भी कनेक्टेड है। मैं जाके दिखाती हूँ, ये देख सकते हैं यहाँ पे सारे लाइट्स लगाए हुआ है मैंने। एक्चुअली मैंने नहीं, हितेश ने ये सब लगा के दिया है, तो देखिए बहुत अच्छा दिख रहा है। और मेरे दो दो रोजेस भी है, और यहाँ पे ये साइड पे भी कुछ लाइट्स है। ये सब थोड़ा इग्नोर करना, ये मैंने कुछ धो के यहाँ पे सुखाने दिया था, आई थिंक सूख भी गया। और ये देखिए बहुत मस्त दिख रहा है गाइस, आई जस्ट लव दिस। सच पूछिए दिवाली ना मेरा फेवरेट फेस्टिवल है, क्योंकि इतने लाइट्स होते, कलर्स होते, तो बहुत मज़ा आता है, अच्छा फील होता है, एकदम खुश खुश फील होता है। सच पूछिए इस साल जैसा चल रहा है ना, इतना ज़्यादा सैडनेस हो गया, इतना ज़्यादा डिप्रेशन हो गया, उसका दिवाली आया है, थोड़ा लाइट्स वाइट्स लगा है तो ना एक अच्छा फील हो रहा है, थोड़ा होता है ना एक हैप्पी हैप्पी फील, तो ऐसा लग रहा है। ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी ऐसा 100% तो खुश कोई भी नहीं है, बट स्टिल ये सब थोड़ा बहुत चीज़ें करके खुशियाँ हम अपने लाइफ में ला ही सकते हैं, राइट। तो यही सब ट्राई चल रहा है, तो वही है आज का पूरा दिन। आप लोगों ने देखा कैसा गया मेरा पूरा दिन, मैंने शेयर किया है। तो दिवाली से पहले थोड़ा बहुत ये सब होता ही रहता है ना, थोड़ा बार बार बाहर जाना है ना, थोड़ा सामान लेना ये सब। और रात को मैं वही बोल रही थी कि हम लोग बाहर गए थे अभी खाना खाने, तो इतने टाइम बाद गए ना, तो इतना अच्छा फील हो रहा था, तो काफ़ी अच्छा लगा। खाना बहुत औसम नहीं था, बट ठीक है, ओके था। बट मेन तो ये था कि हम दोनों साथ में ऐसे बाहर जाके थोड़ा बैठ के खाना खाया, थोड़ा अच्छे से टाइम स्पेंड किया, वो इम्पोर्टेंट था। एनीवेज बहुत अच्छा लाइटिंग आ रहा है एक्चुअली यहाँ पे। तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को अभी यहीं पे एंड कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, एंड अगर आप नए हैं मेरे इस चैनल पे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर सब्सक्राइब कर लिया तो उस बेल आइकन को भी ज़रूर क्लिक कर देना, तभी जाके आप लोगों को मेरे सारे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल जाएगा एंड आप मेरे वीडियोज़ को देख पाएंगे। चलिए बाय ना, अंदर चल के करती हूँ, यहाँ पे भी अच्छा लग रहा है एक्चुअली। हाँ देखिए कितना मस्त लग रहा है ना मेरा बैकग्राउंड। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलता हूँ मेरे नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।